हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं साइट विजिट कराऊंगा आपको न्यू गुड़गांव सेक्टर 85। न्यू गुड़गांव की अगर मैं बात करता हूं, न्यू गुड़गांव के सबसे हाईलाइट प्रोजेक्ट की, जी हां, मैं बात कर रहा हूं गोदेज एयर, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 85 द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के साथ में। सेक्टर 85 लगता है 84 मीटर रोड का, वहाँ से मल्टी यूटी कॉरिडोर से लगता है, वहाँ पर लोकेटेड है। अगर मैं बात करता हूँ इसके साइजेस की, तो इसमें काफ़ी अच्छे साइजेस हैं, 2 BHK और 3 BHK, 3 BHK प्लस यूटिलिटी, 4 BHK प्लस यूटिलिटी, तो इस तरह के यहाँ पे अपार्टमेंट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अपडेट करा देता हूँ, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। न्यू गुड़गांव का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पूरा ही MY1 सेक्टरिंग 100% RCC के ऊपर आ जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। टोटल इसके 5 टावर हैं, जिसमें कि अगर मैं हाइट की बात करता हूँ, कुछ टावर ग्राउंड प्लस, 3 टावर रहेंगे ग्राउंड प्लस 25, 1 टावर रहेगा ग्राउंड प्लस 20, 1 टावर रहेगा हमारा यहाँ पे ग्राउंड प्लस 33, और 13 फ्लोर इसमें काउंट नहीं हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी चल रही है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। ये देखो आप, कंस्ट्रक्शन 100% MY1 सेक्टरिंग पे, बिल्कुल सफाई के साथ में। एक बार 84 मीटर रोड से भी दिखा देता हूं आपको कंस्ट्रक्शन। इधर ही हमने सैंपल फ्लैट देखा था। ये मेन 84 मीटर का रोड है, 60 मीटर का ऑलरेडी बना हुआ है, 12-12 मीटर का यहाँ से सर्विस रोड बनना है। और ये सामने द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये एलान वालों का प्रोजेक्ट है, एलान मिराकल। ये द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधा रास्ता आता है। यहाँ से अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ, तो 600 मीटर के डिस्टेंस से यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे रह जाता है, 500 से 600 मीटर के डिस्टेंस से, जैसे कि वीडियो में आपको दिख रहा है। एलान मिराकल ये मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से, और यहाँ से सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे से राइट लेके आप निकल जाते हैं NH8, और NH8 आ जाता है, NH8 राजी चौक साइड जाना तो लेफ्ट जा सकते हैं। अगर आपको SPR पे जाना, तो यहाँ से फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ के NH8 को क्रॉस करके SPR और अपना एक्सटेंशन गोल्ड कोस्ट इस साइड में निकल सकते हैं आप। यदि हम यहाँ से ये लेफ्ट जाते हैं, तो लेफ्ट इधर पूरा DLF आ जाता है। सामने DLF का ये न्यू टाउन हाइट दिखाई दे रहा है सेक्टर 86 के अंदर। और इसके साथ में एक और जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है आपको, ये हॉलीडे इन है, सामने 5-स्टार होटल, नीचे सफायर मॉल, और यहाँ से इस चौड़े रोड के ऊपर ही ये गोदरेज एयर आ जाता है, जिसका मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाऊंगा और पूरी डिटेल दूंगा। ये गोदरेज एयर है, काफ़ी बड़े एरिया में, काफ़ी खुला हुआ एरिया है, न्यू गुड़गांव का सबसे हाईलाइट प्रोजेक्ट। अगर मैं न्यू गुड़गांव, पटौदी रोड और NH8 के बीच की बात करता हूँ, तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पहला प्रोजेक्ट है जो कि MY1 सेक्टरिंग पे आया है, 100% MY1 सेक्टरिंग, और काफ़ी ओपन स्पेस के साथ में। और सबसे ज़्यादा बड़ी जो बातें आ जाती है इसमें, मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दी गई हैं। ये इधर SS का लीफ आ जाता है, और इसके बराबर में सामने VSR का पार्क स्ट्रीट करके एक मॉल बन रहा है, सामने सती दादी चौक है। और इधर मैंने बताया आपको द्वारका एक्सप्रेसवे है, तो काफ़ी अच्छी इसकी कनेक्टिविटी बनती है। सामने आ जाता है इसके अपोजिट में सेक्टर 89, सामने ये स्कूल है, एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, RPS इंटरनेशनल स्कूल, और उसके अपोजिट में RV हॉस्पिटल आ जाता है। आइए अब एक नज़र डालते हैं सैंपल फ्लैट और मॉडल पे। ये इसका गोदरेज एयर का मॉडल है, ये हमारा 60 मीटर का रोड है, और 60 मीटर रोड के साथ से 12-12 मीटर का सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन से ये एग्जिट और एंट्री है, और एग्जिट और एंट्री करते ही टावर A5 आ जाता है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टावर की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें टोटल 5 टावर हैं, एक पीछे 24 मीटर का रोड दिया हुआ है, तो टावर T5 आ गया यहाँ पे,
और उसके बाद इधर से दिखाता हूँ एक बार, नर्सरी स्कूल आ जाता है, टावर A4, टावर A3 और टावर A2 और A1। ये बाकी इसमें क्लब हाउस है, इधर ग्रीन एरिया गार्डन है, ये फैसिलिटीज पार्ट है। तो ये इसका पूरा मॉडल प्लान साइड प्लान था। यहाँ से करते हैं अपना सैंपल फ्लैट स्टार्ट। ये सर्वेंट है, यहाँ पे सर्वेंट की जो एंट्री रहेगी बाहर से रहेगी, और ये हमारा सैंपल फ्लैट है 4+ सर्वेंट 2599 स्क्वायर फीट का। यहाँ से हम गेट ओपन करते हैं, ये हमारा लिविंग डाइनिंग है, लिविंग डाइनिंग आ जाता। आप देख सकते हैं वीडियो में कितना सुंदर अपार्टमेंट है। ये लिविंग डाइनिंग है, और हमारे लेफ्ट हैंड पे सबसे पहले ये आ जाता है हमारा पूजा घर, ये पूजा घर आ जाता है। और ये यहाँ पे आ जाता है हमारा एक वॉशरूम जिसमें सेंसर लगे हुए हैं। अभी देखना आप, यहाँ एंट्री करेंगे हम, यहाँ पे एंट्री करूँगा मैं यहाँ पे, और एंट्री करते ही ये लाइट ऑन हो जाती है। तो ऑलरेडी यहाँ पे सेंसर लगे हुए, आप क्वालिटी देख सकते हो वॉशरूम के अंदर भी कितनी अच्छी क्वालिटी लगी हुई है, हैंडवेयर की क्वालिटी है इसमें। तो क्वालिटी बहुत अच्छी लगी हुई है वॉशरूम के अंदर। उसके बाद हमारा फर्स्ट बेडरूम ये है, ये वुडन फ्लोर रहेगा, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। ये अलमीरा आ जाती है इधर, काफी अच्छे साइजेस में ये बेडरूम है, साइज भी अभी मैं बताऊंगा आपको। ये इधर बालकनी आ जाती है इसके साथ में। ये बालकनी है, बालकनी भी एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये बालकनी आ जाती है, ये पूरी बालकनी है। आइए अब देखते हैं सेकंड बेडरूम। ये लिविंग डाइनिंग के साथ में भी यहाँ पे बालकनी है, ये बालकनी है, ये भी दिखा देता हूँ। ये लिविंग डाइनिंग के साथ में बालकनी है, ये देख सकते हैं रनिंग बालकनी है। एक और सेकंड बेडरूम के साथ में और ड्राइंग डाइनिंग के साथ में ये बालकनी खुलती है। ये किचन है, किचन का भी काफी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। ये मोटोरोला किचन रहेगी पूरी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, एज इट इज चीजें रहेंगी। और किचन के साथ में भी वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एरिया आ जाता है। ये किचन के साथ में वेंटिलेशन का एरिया है, और सेकेंडली यहाँ से सर्वेंट ये हो जाता है हमारा, सर्वेंट या स्टडी कुछ भी बोल सकते हैं इसको, वो ये एरिया हो जाता है। या आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं, तो वो ये एरिया है हमारा।
2599 में स्क्वायर फीट के अंदर। ये इधर वॉशरूम है, ये वेंटिलेशन का एरिया है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट बेडरूम में। सेकंड बेडरूम हमारा ये आ जाएगा। ये हमारा सेकंड बेडरूम है, इसकी भी बालकनी जो रनिंग बालकनी है वो रहेगी यहाँ पे विद टॉयलेट के साथ में। ये टॉयलेट हो जाएगा सामने, इसमें सेंसर लगे हुए, जैसे हम एंट्री करते हैं वैसे ही लाइट ऑन हो जाती है यहाँ पे। ये देख सकते हैं क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट लगी हुई, एक नंबर की क्वालिटी आ जाती है पूरे ही प्रोजेक्ट के अंदर। कंस्ट्रक्शन माईवान पे है 100%, और दो बेडरूम इधर आ जाते हैं हमारे लेफ्ट और राइट पे। दोनों बेडरूम के सामने आप देख सकते हैं काफ़ी एरिया है, तब जाके बेडरूम आते हैं, ये नहीं कंजेस्टेड है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है जिसका साइज हो जाएगा 12x16 का, बाकी बेडरूम 12x13 इस तरह के साइजेस आ जाएंगे। इसमें भी बालकनी देख सकते हैं, रनिंग बालकनी है, काफ़ी लंबी बालकनी है जो यहाँ पे बालकनी दिखाई दे रही है। और ये बेडरूम का भी काफ़ी अच्छा साइज है। इधर हमारा अलमीरा प्लस वॉशरूम आ जाते हैं। ये वॉशरूम है यहाँ पे, ये एंट्री करते ही लाइट ऑन हो जाती है, शानशान लगे हुए हैं इसमें। ये क्वालिटी है A1 क्वालिटी। सेकंड ये यहाँ पे थी हमारी बालकनी, बालकनी भी एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ये पूरी बालकनी है, ये बालकनी आ जाती है पूरी। आइए अब चलते हैं फोर्थ बेडरूम के अंदर। ये हमारा फोर्थ बेडरूम है विद अटैच टॉयलेट। ये बेड है, ये बेड है, ये इधर अलमीरा आ जाता है, ये अलमीरा आ जाता है, ये यहाँ पे वॉशरूम आ जाता है। तो ये था सैंपल फ्लैट, फोर बेडरूम, फोर प्लस सर्वेंट, फोर प्लस स्टडी विद फोर टॉयलेट। सर्वेंट को लगाते हो तो यहाँ पे टॉयलेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखा आपने कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितनी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, कितने अच्छे प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सैंपल फ्लैट होता है हमारा कंप्लीट।